सो जी अपनी हर दिन की स्ट्रगल हो चुकी है शुरू। ये जो है मिरर हमने लिया है, गाइस फिलहाल आप देख सकते हो ये आ गया हमारा बुकिंग रिक्विजिशन फॉर्म मिस्टर तरुण सिंह, मॉडल आ गया जिमनी। अगर गाड़ी लॉन्च होती है तो दो दिन में गाड़ी मेरे पास भी आ जाए। एक महीने में दो दो गाड़ियां नहीं होगी, इतनी हिम्मत होती है किसी में करने की। और ये हमारी जिमनी बाहर आएगी अभी यहाँ से। तो मुझे मैसेज आया ये, डियर तरुण सिंह द ब्रोचर फॉर योर इंटरेस्ट नेक्सा क्लाउड ऐप जो भी है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सुजुकी ग्रैंड विटारा ब्रोचर। गाइस ग्रैंड विटारा थोड़ी है, मैंने तो जिमनी बुक कराई है ना गाइस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिलहाल आप देख रहे हो कि लोकेशन आज की थोड़ी सी डिफरेंट है। तो एक्चुअली रात को क्या है कि मैं मामू के घर आ गया था, फिलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, नहा धो लिया है, तो जल्दी से निकलते हैं आज क्योंकि बहुत से काम है और आज एक सबसे स्पेशल काम भी है। वैसे आपको शायद टाइटल थंबनेल से पता चल ही गया होगा, मतलब जैसे ना मैंने कहा था कि अगर मेरे उस पे 20,000 कमेंट्स हो जाएंगे तो मैं जिमनी ले लूंगा। देखो यार, कुछ चीजें ऐसी होती है जो ना ऑलरेडी डिसाइडेड होती है क्योंकि मैंने वो करनी होती है, तो बस मैं थोड़ा सा ना रिस्पॉन्स जानने के लिए वो चीज कर लेता हूँ। तो लगभग 12,000 जो कमेंट्स हैं वो आए ही है, जिमनी तो बुक करवानी ही है जैसे भी है। पहले यहाँ से निकलते हैं फटाफट क्योंकि 11 बज चुके हैं, लेट हो गए, तो फटाफट निकलते हैं और आगे के सीन्स कट करते हैं। तो जी फिलहाल रूम पे आके हो चुके हैं रेडी शेडी, तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। आज बहुत से काम है यार, इसलिए मुझे जल्दी निकलना है और मैं हमेशा की तरह लेट हूँ। कोई बात नहीं, नो इशू। सो जी अपनी हर दिन की स्ट्रगल हो चुकी है शुरू, आगे लगी हुई है स्विफ्ट और पीछे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे उन्होंने ये डंप कर दिया। अब इतनी सी जगह अब गाड़ी आगे पीछे कर करके मुझे निकालनी पड़ेगी। और एक और चीज है, जैसे सुबह मैं कहीं गया हुआ था तो जैसे इन्होंने इंटों का ढेर वेर लगाया ना, तो ये आप देख रहे हो ये सारे आपको हाथों के मार्क दिख रहे हैं। अगर हमने अपनी गाड़ी पे PPF ना करवाई हो तो ये सारे स्क्रैचेस, ये देखो जैसे इनका कोई छोटा बच्चा होगा, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा पता नहीं, हाँ यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो वो छोटे बच्चे हैं, स्क्रैच स्क्रूची है वो। तो इस चीज का PPF का बहुत फायदा होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, पहले मेरे को भी लग रहा था शायद यार काफी पैसे लगा दिए, पर क्या पता जरूरत है नहीं है, लेकिन हाँ जरूरत है। और ये देखो बच्चों ने क्या है कि मिट्टी विट्टी भी अच्छी फेंकी है ये सारा, क्योंकि यहाँ पे रेत आने का कोई भी सेंस कभी दिखता नहीं है। तो चलो कोई चक्कर नहीं है, जब गाड़ी हो आपके पास लगाने की जगह ना हो तो ये सारी चीजें आपको बियर करनी पड़ेंगी, इन पे कोई ऑप्शन नहीं होता है। चलो निकलते हैं। और आज यार इसकी ये पन्नियां वन्नियां भी खोलनी है, बहुत देर होगी, बस अब नए वाला फील हमने बहुत ले लिया, अब खत्म करें इस कहानी को भी, आते समय आज खोल लेंगे। ये मेरे को लगता है रिवर्स में ना टीटी करना शुरू कर देगा। ये देखो सिर्फ 86 मीटर ही जगह बची है, बड़ा कंजेस्टेड हो गया आज काम। अब यहाँ से गाड़ी कैसे टर्न करूँ मैं, फंस गया हूँ। ये तो विनय भैया को बोलना पड़ेगा आओ बाहर एक मिनट। मुड़ तो गई पर बड़ी मुश्किल से मुड़ी, पर चलो कोई नहीं, यही स्किल्स इंप्रूव करने का टाइम है। अब इधर भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इसे काट के मोड़ता था, इन्होंने भी गाड़ियाँ लगा रखी, क्या करूँ मैं। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ सिदरा जा रहा हूँ मैं ओवेस भाई के पास, क्यों, क्योंकि उनसे मुझे लेने हैं मेरी जिप्सी के साइड मिरर्स। जो अभी मेरी जिप्सी में साइड मिरर्स डले हुए हैं ना, वो देसी वाले हैं, मतलब सस्ते वाले हैं, तो उसका क्या है ना अंदर से मिरर आवाज करता है, बाहर वाली जो कवरिंग है उससे वो लूज है। ओवेस भाई के पास अच्छे वाले पड़े हैं तो वो कह रहे कि आप मेरे से ले जाओ, उन्होंने क्या है कि ग्लॉस में पेंट भी कर देंगे क्योंकि वो थोड़ा सा डल उसमें शेड में होते हैं। तो अभी पहले वहां जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे छन्नी नेक्सा क्यों जाएंगे वो भी आपको बताएंगे, टाइटल थंबनेल से वैसे पता चल चुका होगा। सो जी फिलहाल निकल रहे हैं सिदरा और हमारे साथ आ चुके हैं कौन, मिस्टर मोहित से हाय टू द कैमरा। हेलो हेलो, वाह कैमरे को देख के इसकी भी पावर अच्छी आ जाती है, क्या गपशप है, जिंदगी चल रही है, बड़ा परेशान है, उदास है जिंदगी से। मैंने कहा तेरे को अपनी जिंदगी की उदासी दिखाता हूँ, देखते हैं दोनों में से ज्यादा किसकी है। तो वेस भी ऐसे मिरर हमने ले लिया, कैमरे में वो आते नहीं है आपको पता ही है। ये जो है मिरर हमने लिया है तो ये आपको दिखाते हैं, अभी काफी पैकिंग वैकिंग में है, ये रहा वो शीशा, ठीक है। तो ये अभी आप ये वाला शीशा देख रहे हो ना, अब मैं आपको अपना स्टॉक वाला शीशा भी दिखा दूंगा कि उसमें और इसमें क्या फर्क होता है और क्यों मैं ये शीशा जो है इसके पीछे पड़ा हूँ। अभी मैं जाके इधर हम अपने मिरर ले आते हैं और जिमनी जो हमने बुक करवानी है उसके लिए भी जाना है, लेकिन अभी मैंने साहिल भाई को कॉल करा तो वो कह रहे हैं कि उनका भी मन है, तो पहले उनको भी पिक करते हैं और देखते हैं, मतलब एक दिन में दो जिमनियाँ बुक करवाएंगे हम, तो चलो देखते हैं क्या मसला बनता है। जैसा क्या है कि अभी ठंड का मौसम है तो कश्मीर से काफी लोग जो है वो जम्मू में शिफ्ट हो जाते हैं, तो अभी जैसे वो स्कॉर्पियो जा रही है आगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब कश्मीर नंबर जो स्कॉर्पियो है ना वो आपको काफी 4x4 मिलेंगे, जम्मू नंबर स्कॉर्पियो उतनी नहीं, वो आगे उससे देखना, फोन करना उस पर नहीं, वो स्कॉर्पियो जा ही चली जा रही है। ये स्विफ्ट वाले भाई हमें देंगे जगह, यहाँ से दिख रही है वो है हुक वाली स्कॉर्पियो, मतलब चाहे पुराने वाली स्कॉर्पियो हो नई वाली हो S10 S11 हो जाए ये वाला भी हो जनरेशन ना, 4x4 आपको कश्मीर नंबर में बहुत मिलती है। मेरा भी बड़ा मन है आपको पता ही है, लेकिन अब मन को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा गाइस। तो एक सिंपल सी पहचान होती है 4x4 की, उसमें पीछे हुक लगा होता है स्कॉर्पियो में।
के आ रहे हैं जिप्सी के पास। तो यार जिप्सी का मैं आपको सच बात बताऊं, मतलब कल मैंने देख ली जिप्सी, मतलब यार जिप्सी देख के ना मुझे हंसी आई बहुत ज्यादा, लेकिन शायद ये एग्जैक्टली वैसी थी जैसी मैं चाहता था, पता नहीं, बट हंसी आई। अब आप लोगों को कितनी हंसी आएगी, क्या लगेगी पता नहीं, बट मजा आएगा, मुझे मजा आया, हंसी आई पर मजा आया। तो चलो अभी ये शीशे छोड़ देते हैं वहाँ पे और फिर साहिल भाई को पिक करते हैं, जिमनी बुक करवाते हैं। एक्चुअली ये जो है ना मिरर, ये है पुराने वाला और ये जो अभी मैं लेकर आया हूँ, तो इसमें फर्क क्या है? और ये अमित भैया को भी कैमरे में यार अमित भैया ये पकड़ो। तो जैसे ये वाला मिरर है ना, तो ये जब चलता है ये यहाँ से करता है आवाज़, और ये सस्ते वाला है और ये नहीं करेगा, जैसे ये थोड़ा सा सॉलिड लग रहा है, तो ये चीज है इसलिए हम दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें फेस अलग आएगा, अलग आएगा। ये तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। अच्छा वो छोड़ो, मुझे ये बताओ गाड़ी कब दे रहे हो? गाड़ी को कल? तो भाई साहब देख लो, अमित भैया ने कह दिया कल गाड़ी मिलनी है, तो अगर कल हमें गाड़ी नहीं मिली ना तो फिर हमने रात को देर रुकना है। गाड़ी देने के बाद भी रात को यहीं रह गया कोई चक्कर नहीं, वीडियो पता नहीं पहले आएगी या बाद में आएगी, आई डोंट नो। तो एक गाड़ी फंस चुकी है और गाड़ी भी बड़ी खतरनाक गाड़ी है, तो बस अभी जा रहे हैं उसे रिकवर करने। वाली साइड आए हुए थे तो अभी वापस जा ही रहे थे, लेकिन दोनों को लगी थी भूख, तो मोहित गया है कुलचा लेने के लिए कुछ खाने के लिए, तो उसके बाद हमें जाना है अपने काम पे। साहिल भाई को पिक करना है, सब काम करना है, तो फिलहाल आ गया न्यूट्री कुलचा, मोहित का भी आ गया, मेरा भी आ गया। चलो 12:01 बजे मैं साहिल भाई से मिलने वाला था, लेकिन 3:30 हो चुके हैं, जल्दी से उनके पास चलते हैं, काफी लेट, मतलब वो वेट कर रहे थे, उन्होंने अपना प्लान कैंसिल किया हुआ और मैं इधर फंसा हुआ हूँ। तो बस जब फटाफट वो निशान के आसपास कहीं वेमॉल के आसपास मिल रहे हैं, तो जल्दी फटाफट पहुँचते हैं उन्हीं के पास। कैसे हो? ठीक है जी, ठीक है, आप बताओ। नहीं बड़ी हस्तियाँ नहीं है, तो ये है साहिल भाई, पहली बार हमारे कैमरे पे बिना मास्क के। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया हमें, ना कॉन्फिडेंस नहीं कर दिया फिर फेस भी लो फेस। हाँ मुझे कोई अब वो नहीं है इतना, बाइक चलानी होती है आलस बड़ा आता है कि कौन हेलमेट उतारे और ये सब करे। ठीक है ठीक है, तो ये अपने जारी भाई है, चाय पीनी थी हमने अभी पीछे, तो चलो उधर चल के ही बात। अच्छा, चलो ठीक है। तो गाइस फिलहाल क्या है कि हम जा रहे हैं जिमनी बुक करवाने, साहिल भाई कह रहे हैं इन्होंने ही बुक करवानी है, ऑब्वियसली जाके देखते हैं वहाँ। मैं सोच रहा हूँ नियॉन कलर मेरे पास भी होना चाहिए, चमकीला। तो कोई चक्कर नहीं, अभी वहाँ जाएंगे पहले, और मोहित जी को पीछे बैठना पड़ेगा क्योंकि थार का मसला असला थोड़ा सा। चलो जी, तो जी फिलहाल आ चुके हैं हम अपनी थार में, तो हमें साहिल भाई बताएंगे। साहिल भाई जी कैसा लग रहा है बैठ के, ये बताओ। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बाकी दुनिया से ऊपर ही हूँ मैं आज। अच्छा, जैसे R1 की पिछली सीट पे लगता है ना, वैसा ही फील आ रहा है मेरे को ट्रक वाला। तो एक तो ये बैठे तो कह रहे यार स्पेस तो ठीक है, मैंने कहा इनको एक बार ना इसुजु में बिठाएंगे, इसुजु में बैठ चुका हूँ मैं। अब मेरे को याद नहीं बैठा तो हूँ मैं आपकी गाड़ी में। अब देखो जो साहिल भाई के पास बाइक है और जो इस गाड़ी की कीमत है, इनकी बाइक की कीमत 1-2 लाख ज्यादा ही होगी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि टक्कर की चीजें हैं। हाँ, लेकिन अगर हम उसको एक प्रैक्टिकल उसमें देखें तो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। देखो ना गाड़ी गाड़ी ही है, गाड़ी गाड़ी ही है। और मैं मतलब सच बात बता रहा हूँ, जैसे मैंने भी ना जब स्टार्ट किया तो मैंने किया बाइकों से शुरू, लेकिन मेरी चीजें ऐसी होगी कि मैं गाड़ियों में शिफ्ट हो गया, और मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि गाड़ी एक तो काम तो शौक तो है ही है, और सेफ्टी अलग, प्रैक्टिकल अलग, सेफ्टी अलग, बारिश में कोई वो नहीं। हाँ। प्लस भाभी के साथ भी जाना होता है आराम से चलेगा। अरे यार तो ये 2-3 चीजें यार जिनके ना फायदे अलग होते हैं, बट इनके जो बाइक्स वगैरह होती है वो ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रैफिक में बाइक्स ही ज्यादा ठीक है। नहीं वो तो है, उसके चक्कर में हमने एक मोटरसाइकिल लिया अभी, लेकिन कभी उसे चलाना, और मोटरसाइकिल को गाइस पाली डाला हुआ है, उसके 2-3 बच्चे होंगे घर पे, तब चलाएंगे उसको। जो नेक्सा है वहाँ पे ही जा रहे हैं, क्योंकि जो जिमनी की डिलीवरी है वो नेक्सा करता है, उन्हीं से जाके पूछते हैं क्या स्टेटस है, बुकिंग का क्या सीन है। कलर कौन सा बोल रहे हो? कलर ब्लैक। देखो मैं बोल रहा हूँ इनको नियॉन ले लो, सही चलेगी यूट्यूब पे। उसमें नियॉन और ब्लैक का एक सीन है, नियॉन जो है ना वो शायद टॉप मॉडल है ऑटोमेटिक। ओके, तो मेरे पास ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब एक मैनुअल होनी चाहिए। हाँ, मैनुअल होनी चाहिए। पहुंच चुके हैं फिलहाल नेक्सा, देखते हैं अभी क्या सीन है। तो एक्चुअली मैंने बात तो करी हुई है, लेकिन अभी एग्जैक्ट क्लियर मुझे पता नहीं है, तो चलो। तो जी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं नेक्सा, और अभी क्या है कि यहाँ जिमनी का हम स्टेटस देख रहे हैं सामने। साहिल भाई आपको वो गाड़ी दिलानी है हमें, ठीक है? मतलब देख रहे हो या तो 4x4 या फिर सुपर स्पोर्ट। सुपर तो बस यही सीन है, अभी यहाँ भैया से हमने बात करी है, उनसे पूछते हैं क्या सीन है, कितनी बुकिंग है, गाड़ी कब तक आएगी, कुछ चीजें मुझे भी पता है वो मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा, बट पहले हम इनका ओपिनियन सुनेंगे कि ये क्या कहते हैं चीजों को लेके, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। देखो जी बात अभी ऐसी है, हमारे तरुण भैया कर रहे हैं कुछ ज़रूरी काम, मैं ना आपको ऐसे दिखा देता हूँ जो खुशी है हल्की हल्की इनके चेहरे पे, ठीक है? ये अभी खुशी दिल्ली दूर है, अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली बहुत पास है। हाँ
तो इनको करने देते हैं अपना काम, हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, पार्टी शार्टी लेते हैं इनसे, बाकी बात बाहर जाके बताते हैं। मैं भी जिमनी का प्लान ना ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। और नहीं 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 होगा ना, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, जिमनी जा सकती, सब कुछ जा सकता। अब भैया कह रहे हैं थार चली जाए, बट जिमनी नहीं जाएगी भाई, जिमनी तो लेंगे ये, ठीक है। फिलहाल आप देख सकते हो ये आ गया हमारा बुकिंग रिक्विजिशन फॉर्म, मिस्टर तरुण सिंह मॉडल आ गया जिमनी, और उसके आगे ऑटोमेटिक द टाइम ऑफ लॉन्चिंग, ठीक है। तो अभी के लिए जितना हम सेटअप कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं, बुकिंग अमाउंट देते हैं। पहली जिमनी लेने का मुझे नहीं है, बट हाँ अगर गाड़ी लॉन्च होती है तो दो दिन में गाड़ी मेरे पास भी आ जाए, चाहे वो 100वीं गाड़ी हो 200वीं गाड़ी हो, वो के चक्कर नहीं कि मेरे को पहली चाहिए, लेकिन हाँ चाहिए 2/2/2023। मम्मी ने कहा वीरवार को बुकिंग करानी है, इसलिए मैं आज ही बुकिंग करवा रहा हूँ, नहीं तो कल भी करवा सकते थे। एक महीने में दो दो गाड़ियाँ नहीं हो गई, इतनी हिम्मत होती है किसी में करने की? ये बताओ गाइस, नो 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 गाइस, ऐसा नहीं है, अभी तो ये बुकिंग कर रहे हैं, गाड़ी पता नहीं कब आनी है। तो जी चलो बुकिंग शुकिंग तो हो गई, ये आ गया हमारा यूट्यूब वाला कार्ड हर जगह आगे ही जा रहा है, यूट्यूब मनी से अभी हम पे करेंगे अपना अमाउंट। ये डल गया हमारा अमाउंट, क्या बात है जी, अब एंटर कर दें। हे भगवान, साहिल भाई बड़ा ना ऐसे दिल वो करता है, क्या दिल करता है, दिल ऐसे चू चू करता है जब ये होता है ना, नहीं ऐसी चीजों के लिए पैसा जाता तो जाता हुआ समझ ही नहीं आता, कैश दो हाल क्या तब पता चलता है, पिन छुपा के लगाना पड़ेगा गाइस। और ये हमारी जिमनी बाहर आएगी अभी यहाँ से, लाओ जी ये आ गई जिमनी बाहर, कटिया पता जनाब अब कैसा लग रहा है। चलो आप जिमनी देखेंगे तो फिर हमें सही फील होगा, चलेगा सही डिसीजन, वही सीट है गाइस। फिलहाल है जिमनी बुक करवा के आ चुके हैं, ये नक्शा वालों से हमने गोचर ले लिया है, बाकी पेमेंट मैंने आपको सारी दिखा दी, ग्रोचर नहीं है वो आपकी बुकिंग रिसिप्ट है, बुकिंग रिसिप्ट जो भी है तो ये हमने ले लिया है। बाकी अंदर विटारा भी खड़ी थी, लेकिन इनका भी थोड़ा सा मसला है, ये भी कहते हैं अंदर उतना 4x4 नहीं तो गाड़ी किस काम, तो उसमें कि ये भी वो कहते हैं कि शूट वूट नहीं कर सकते हम अंदर उतना, तो फिर मैंने ज्यादा मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। तो गाइस फिलहाल मैं अपनी जिमनी का जो है बुकलेट पढ़ रहा था, बुकलेट इसमें कुछ नहीं है, ये मतलब सिर्फ ये है कि बुकिंग अमाउंट के लिए, वैसे तो उन्होंने एक स्लिप दी, मैंने कहा यार एक ऐसी चीज दो जो मुझे दिखाने के लिए। तो फिलहाल क्या मैं आपको ना जिमनी का बताता हूँ स्टेटस, इसको आगे रख लेते हैं। तो यार देखो जैसे ना अभी कंपनी वालों को भी उतना अपडेट नहीं है गाड़ी कब आनी है, कब उसके प्राइजेज आने हैं, और इस पे ना कंपनी पे किसी चीज का ब्लेम नहीं है, मैंने गाड़ी बुक करा दी अब मैं कंपनी जाऊं कब आ रही है गाड़ी कब आ रही है, ऐसा नहीं है। जब ये गाड़ी ऑफिशियली लॉन्च होगी सबको पता चलेगा, सोशल मीडिया पे ही पता चलेगा, ऑनलाइन पता चलेगा, उसके बाद इसकी डिलीवरीज का क्या सीन है, कितनी ज्यादा बुकिंग, जैसे अभी मैंने कहीं पढ़ा था तो 15,000 तक बुकिंग आ गई है। लेकिन एक बार जब गाड़ी शोरूम में, क्योंकि सारी दुनिया ने गाड़ी ऑटो एक्सपो में नहीं देखी है, जब गाड़ी शोरूम में आके लोग देखेंगे उसकी टेस्ट राइड लेंगे फिर बड़ी सारी चीजों का हमें पता चलेगा। बट हाँ ये है कि बुकिंग करवाना जरूरी होता है, बिकॉज बुकिंग ही नहीं होगी तो फिर आपको गाड़ी मिलेगी कैसे, तो इसलिए हमने जो है जिमनी की बुकिंग हमने करवा दी है, 25,000 जो है हमने वो पे किया है, और बाकी जो है मैंने टॉप मॉडल ही बुक करवाया है, कलर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, तो क्योंकि बाद में देखेंगे अगर कुछ चेंज का बनता होगा, बट हाँ टॉप मॉडल ही प्रेफरेंस रखी है हमने, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटोमेटिक होगी, मैं वैसे मैनुअल लेना चाह रहा हूँ गाड़ी, लेकिन अभी मैं उस पर रिसर्च करूंगा, मेन था बुकिंग करवाना, हम रजिस्टर हो गए हैं भाई, हमने भी एक जिमनी बुक करवा रखी है, वो एक मेन चीज़ है, बाकी जब गाड़ी आएगी जो अवेलेबल होगी, कई बार क्या है कि कोई बुकिंग कैंसिल कराता है, गाड़ी आ जाती है और वो गाड़ी मिल रही हो तो मैं वो गाड़ी उठाने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज जिमनी तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, पर अभी उसमें लगेंगे 2-4 महीने, तब तक हम अपनी थार को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के दिन में यही कहानी है, जिमनी बुक करवाई, अभी जा रहे हैं अक्षय भैया के पास, कुछ गपशप मारते हैं और उसके बाद निकलेंगे घर की तरफ, और हमारी जो ट्रिप है वो भी ऑन द वे है, सो लेट्स गो। गाने सुन रहे हैं गाइस? तो गाइस जब से हमने गाड़ी ली है तो इसमें आज दूसरी बारी तेल डलवाने वाले हैं हम, तो एवरेज तो अच्छा दे रही है, ये लो जी ये डाल दो 1,000 रुपए का, तो ज्यादा तेल नहीं अभी मैं डलवाऊंगा, 1,000 रुपए का डीजल डलवाएंगे, मतलब ठीक है जब से मैंने लिया, आज मैं आज इसका भी वो आया येलो वाली लाइट आई, तो डलवाते हैं 1,000 रुपए का तेल। चुप हो जा बस कर। तो ये आप देख सकते हो कि गाड़ी में अभी हमने तेल डलवाया, लेकिन इसकी ये डिस्टेंस ने 150 किलोमीटर क्यों बताया हमने अभी तक, पहले शायद ज्यादा बता रहा था, अभी तो 1,000 रुपए का तेल भी इसमें डलवा दिया हमने, क्या पता थोड़ी देर में अपडेट करता होगा, 150 तो नहीं बताना चाहिए इसको, तो चलो कोई नहीं अपडेट करता हूँ आपको दिखाते हैं। पर एवरेज अच्छी दे रही है, दिखाओ एवरेज आपको, नॉर्मल गाड़ी के हिसाब से अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन 11 की एवरेज, ऑटोमेटिक 4x4 गाड़ी है तो 11-11.5 की एवरेज मेरी इसुजू नहीं देती ना मेरे को, इसलिए मेरे को ये इसकी अच्छी लग रही है, किसी भी नहीं देती। आजकल ना मैनुअली ट्रैफिक पुलिस वाले जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, तो बढ़िया ट्रैफिक वाले अंकल ने गाली दी सुनी,
देखो बैंक का लोग क्या कि मिनी मार्केट में आ गया था ऐसे ही। और अभी का मसला ये है जैसे ना आज गाड़ी थोड़ी बहुत गंदी भी हो गई तो इसे भी जो वॉश है वो भी करवाना पड़ेगा। तो 10 दिन तक गाड़ी को क्या है कि वॉश नहीं करना था पीपीएफ के बाद। अभी 10 दिन नहीं हुए हैं, अभी लगभग हफ्ता हुआ है। तो अक्षय भैया से पूछ लेता हूँ कि वॉश करवाऊँ नहीं करवाऊँ। और क्या है कि अंदर से भी ना गंदी हो रखी है, जैसे आप ये देखो अंदर भी मैट वो ठीक है ना अपनी। और ये लिफाफे भी उतार के फेंकने, ये एक दिन सुबह उठते ही लिफाफे उठा के फेंकूंगा। अक्षय भैया क्या हाल चाल है? ठीक हो? आपका नाम भी अक्षय? कल तो आप अक्षय बोल रहे थे इनको। सचिन तो ये है। सचिन भैया क्या हाल चाल है? ठीक हो? और सचिन सचिन भैया ने कल जब मेरे को बोला मैं तो आपका चैनल देखता, मैं खुश हो गया। इनके पास भी थार और क्या क्या ऑफ रोड पे आना हमारे साथ। ऑफ रोड पे आना हमारे साथ, ठीक है कोई नहीं, मुझे बताना ठीक है नेक्स्ट संडे। तो गाइस फिलहाल क्या निकल ही रहे थे और यहाँ आप देख सकते हो दो इम्पोर्टेंट चीजें आ चुकी हैं। ये हमारा आ गया स्नैच ब्लॉक बोलते हैं इसको, स्नैच ब्लॉक आ गया। और ये आ गया हमारे डैम्पनर, डैम्पनर हाँ केबल डैम्पर। तो ये अमित अतवाल है शायद उनका नाम, भाई देखिए ये ले लिए। तो अब एक ये मेरे को भी चाहिए रहेगा पर जब मेरी इशू आएगी, बिकॉज थार पे विंच तो है ना। और इनकेस अगर इशू देते भी है तो भी अपना विंच जो है थार में इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद ये लग जाएंगे हमारे केबल डैम्पर। और क्या ला रहे हो कुछ? और अभी पाइपलाइन में आ रहे हैं चीजें। अच्छा तो चलिए बस यही सीन है, चलो निकलते हैं। और मेरे को कंग्रेचुलेशंस जिमनी बुक करा दी मैंने। थैंक यू। चलो कलर नहीं, अभी कलर रिवील नहीं करना, कलर रिवील नहीं करना। हाँ तो जी अभी क्या है कि घर जा ही रहे थे। तो एक्चुअली क्या है आजकल ना मैं अलग अलग तरह के गाने सुनता हूँ। तो मेरे को ना विक्रम भैया को कॉल आया, विक्रमजीत सिंह द ट्रैवलिंग डोगरा। तो उन्होंने कहा यार कभी कभार ना डोगरी गाने भी सुना करो, और उन्होंने मुझे रिकमेंड करा है सुनील मस्ती के सॉन्ग। तो अभी हम प्ले करते हैं। वैसे मैंने शायद सुन भी रखे हैं कुछ, लेकिन अभी मेरे को क्लियर याद नहीं है कि वो नहीं गए हैं। तो सुनते हैं चलो। मैं घर पहुंचा ना मुझे एक मैसेज आया, पता है? तो मुझे मैसेज आया ये डियर तरुण सिंह द ब्रोचर फॉर योर इंटरेस्ट नेक्सा क्लाउड ऐप जो भी है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सुजुकी ग्रैंड विटारा ब्रोचर। गाइस ग्रैंड विटारा थोड़ी है, मैंने तो जिमनी बुक कराई है ना गाइस। मुझे बाद में भैया का कॉल आया, उन्होंने कहा कि अभी ब्रोचर आया नहीं है इसलिए हम अभी आपको ये सेंड कर रहे हैं। और उसके बाद एक और उन्होंने हमें जो भेजा है अल्फा ऑल ग्रिप प्रो 1.5 लीटर पेट्रोल विद जमकर विकलेट, समझ गए आप? तो जी ठीक है, इसी के साथ खत्म होता है आज का दिन। जिमनी हमने बुक करवा दी है फाइनली, बाकी आने का मैंने आपको सीन बता दिया ना भाई, कोई पता नहीं है गाड़ी कब आनी है, किस तरह से आनी है, क्या सीन होने वाले हैं। लेकिन हाँ अगर कंपनी ने बुकिंग एक्सेप्ट करी है तो हमारा फर्ज है कि हम बुकिंग जरूर करवा दें ताकि पता रहे कि ने भी गाड़ी बुक करवाई हुई है और हम लेने में इंटरेस्टेड है। तो बस यही सीन है। तो बाकी मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाकी प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहो, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लो गाइस, ठीक है? ओके जी, बाय बाय।